कांग्रेस पार्टी द्वारा नूरपुर के गनौ में पथयात्रा का आयोजन किया गया। पथयात्रा की अध्यक्षता नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने की। इस मौके पर महाजन का गनौ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अजय महाजन ने कहा कि इस पथयात्रा से लोगों को घर घर जाकर कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा। अजय महाजन ने भाजपा को कोसते हुए कहा कि मुझे एक मजाक लग रहा है कि जिन आदमियों ने कुछ नहीं किया और जो आज काम हुआ है वे उन्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नूरपुर में विकास की बात की जाए तो 125 करोड़ रुपए की लोक निर्माण विभाग की सड़कें और पुलें आज यहां बनी हैं। भाजपा के समय में जो दो लोग शहीद हुए थे, बहुत शर्म की बात है कि उनके नाम पर एक भी सड़क नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने वे दो रोड बनाए हैं और भाजपा वाले किस विकास की बात करते हैं, ये हैरानी की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा के समय में नूरपुर का सिविल अस्पताल 50 बिस्तर का हो गया था। कांग्रेस की सरकार आते ही 50 बिस्तर से 135 बिस्तर का इसे कर दिया गया और 2.5 करोड़ रुपए की सीटी स्कैन मशीन यहां लगाई गई। इसके अलावा 4,000 लोगों को पेंशन लगाई गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने समय में नारों और लारों के सिवा कुछ नहीं दिया था, जबकि कांग्रेस ने जो कहा था उसे कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जसूर में एक शौचालय तक नहीं बना सकी, लेकिन कांग्रेस ने जसूर में 10 करोड़ रुपए का काम करवाया है। वो एक मुझे बहुत ही मतलब मजाक लग रहा है कि जिन आदमियों ने कुछ किया नहीं और जो काम हुआ है उनको दिखाई नहीं दे रहा, और एक तोते के रटे जैसे बोलते हैं कि कोई विकास नहीं। अगर विकास की मैं फिस्ट पढ़नी शुरू करूं तो आज की डेट में 125 करोड़ के पीडब्ल्यूडी की सड़कें और पुल ही बने हैं नूरपुर चुनाव क्षेत्र में। इनके समय में जो दो शहीद रोड थे, बड़ी शर्म की बात है, ये भी एक वही शहीद रोड है, एक भी रोड नहीं बन पाया। और 5 साल के बाद दो शहीद रोड अब बने हैं जिसका हमने इनॉग्रेशन भी जिनकी कर दी है और उनमें पुल भी बन गए हैं, और इसके लिए भी ये जो शहीद रोड, इसके भी पैसा सैंक्शन हो गया है। मुझे बताओ कि वो किस विकास की बात करते हैं। हॉस्पिटल उनके टाइम में डीनोटिफाई हो गया, 50 बेड का हो गया। अब जो हॉस्पिटल नूरपुर में है 135 बेड का हो गया, 2.5 करोड़ की सीटी स्कैन मशीन लग गई, ऑपरेशन थिएटर चल पड़े, आईसीयू बन गया और चिल्ड्रंस न्यूनेटल नर्सरी बन गई, और एक 10 करोड़ का और हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया, 4,000 पेंशन लग गई, और अनेकों वाटर स्कीम्स का शिलान्यास हुआ है, ट्यूबवेल्स 32 ट्यूबवेल्स यहां पे सैंक्शन का काम शुरू हो गया है, और अनेकों हैंडपंप्स, ये तो छोटी बात है, और बहुत ही लंबी फिरिस्त है। 38 स्कूल अपग्रेड हो गए जो उनके सामने एक स्कूल अपग्रेड हुआ था। ये किस विकास की बात करते हैं? ये अपने टाइम में लारों और नारों के सिवा कुछ नहीं इन्होंने किया। एक शौचालय तक नहीं बना सके जसूर में, आज 10 करोड़ का काम जसूर में लगा हुआ है और एक सुबह शौचालय बना हुआ है। और अगर जाके देखो ये कुछ चीजें, किसी के हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें जनता की सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना कि कुछ नेताओं की। वहीं कोटखाई में गुड़िया प्रकरण के बारे में अजय महाजन ने कहा कि जो ये घटना हुई है इसके लिए पूरा प्रदेश उस परिवार के साथ है। जिन दरिंदों ने ये काम किया है उनको फांसी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुड़िया की आत्मा की शांति के लिए मौन भी रखा था। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना का जो दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको राजनीतिक रंग देने में लगी हैं। उन सभी से प्रार्थना की जाती है कि इस दुखद दुर्घटना पर राजनीतिक ना करें। घटना हुई है जिसके लिए पूरा प्रदेश उस परिवार के साथ खड़ा है, और जिन दरिंदों ने ये काम किया उनको फांसी मिलनी चाहिए। और हम सारी हमारी जो पार्टी है, कल हमने मौन भी रखा हमारी पार्टी ने उस आत्मा के लिए पूरे प्रदेश में, और इस दुर्घटना के जो पात्र हैं, जिन्होंने इसमें जो दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी उनको फांसी की सजा मिले, मैं तो यही प्रार्थना करता हूं। पर कई कुछ पार्टियां जो है इसका एक राजनीतिक रंग भी देना चाहती हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ये इतनी दुखद जो घटना हुई है इसके साथ हम इसको राजनीति का लाभ नहीं हमने लेना, हमने वो दोषियों को पकड़ना है और उनके जो परिवार को उसकी जो उनको जब सजा मिलेगी और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और परिवार को इसका न्याय मिलेगा।